अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चुंगी अमर सदू के इलाके जावेद कलोनी इतिहाद पार्क में, जहां पर इस वक्त जिस मैं घर में मौजूद हूं, यहां पर वाबदा की नाअहली कह सकते हैं कि बिजली की तारें गिरने के बायस इस घर में धमाका हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर खातून का सर पर शदीद चोटें और बच्चे भी जो है वो काफ़ी इस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में है। यहाँ पर हमारे साथ खातून मौजूद है जिनके साथ ये हादसा पेश आया, इन्हीं से जान लेते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सो रहे थे हाल में, चार दिन पाँच दिन पहले ये आए हैं वापटा वाले, इनसे हमने कहा भी है कि तारें नीचे आ गई, आप जितनी ऊपर पहले दिन उतनी कर दें। इनकी गफलत की वजह से ये सब कुछ हुआ। हम सो रहे थे, हमें नहीं पता, जब हादसा हुआ एकदम आके गोलों की तरह सीलिंग सारी हमारे ऊपर आई है, बच्चों के मेरे ऊपर आई है, धुआं धुआं घर में भर गया। ये आप देख सकते हैं कि इनकी हालत ऐसी है, इनसे पूरी तरह से बोला भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ इनके भाई मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं ये क्या, कितने बजे का वाकया, कैसे? ये 10:30 बजे का वाकया था, ठीक है। तो अलहदा इन्होंने तारें पहले 20 फुट ऊपर थी, ठीक है, इन्होंने जब ये पीछे वाला खंभा खड़ा किया तो इन्होंने, हमने बोला भी है तो यार हमारे आगे रिक्वेस्ट है, हमारा घर थोड़ा सा नहीं है तो ज़रा तारें ऊँचे रहने दो, ठीक है। इन्होंने कहा यार ठीक है, हम नहीं करते, ठीक है, बिना वजह कहने के बजा इन्होंने तारें नीचे कर दी। इन्होंने बोला भी है यार बिजली ना चलाना इसकी, इन्होंने फिर भी कराई है। असद खोखर है, इधर जो भी नुकसान होता है कोई भी नहीं आता, वो कहता जी मैंने तो पैसे लिए हैं, पैसे दिए हैं, मैंने तो इलेक्शन जीता हूँ पैसे दिए जीत के, ठीक है। ये कौन सा ये कानून है, ये कौन सा इंसाफ है, मुझे बताएं। बेसिकल कोई मजदूर अपनी रोजी कमाता है, जहाँ पे करंट लग जाता है वो उसको हक नहीं मिलना चाहिए, आप बताएं क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन सी हुकूमत है, आपने ये हुकूमत को मानते? आपने इन सब घर वालों की और जो मोहल्लेदार है इनकी बातें जो है आपने सुनी है, सब कितने परेशान है, ये घर की हालत जो है वो भी आप देख सकते हैं कि इस घर में कुछ भी जो है वो नहीं बचा। इनका कहना है कि SHO यहाँ पर कोई भी पुलिस का अफसरान जो है वो आते हैं लेकिन बाहर खड़े होकर कह देते हैं कि जी हम कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक सुबह 10 बजे के करीब का ये वाक्य है लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। जी, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, फिल्म मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।